अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माता जी अपने बच्चों को खुश रहे। अगले दिन उन्होंने थाने में तहरीर दी, जिस पर एक अपराध पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा छानबीन की गई और उस स्थान पर गए जहां से और लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि ताबिज नाम का बंदा जो कि इसकी माँ के साथ रहता था और अपने आप को इन बच्चों का पिता कहता था, पति पत्नी के रूप में वो महिला रहती थी ताबिज के साथ, वो इन दोनों बच्चों को लेके कहीं गया है। उसके बाद इसका पता नहीं चला। पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ कि इन दोनों बच्चों को ये लेके गया और अपने एक दोस्त के साथ मिलके इन दोनों बच्चों को पुरगाजी क्षेत्र में नहर में फेंक दिया। सर पूछताछ के दौरान अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसकी माँ इन्वॉल्व है, लेकिन सर्विलांस के माध्यम से और तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें कि इसकी संलिप्तता है कि नहीं उसकी जानकारी ली जा रही है। सर क्या इसमें जो आरोपी है उसका ये कहना है कि उन बच्चों के कारण से उसे समस्या हो रही थी और अपनी गिना जो कि बच्चों की माँ है उसे रखना तो चाहता था, लेकिन इन बच्चों को नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसे दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये महिला और कब से यहाँ रह रही थी, पति उसका कहाँ है? ये मंगलौर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और ये आरोपी भूखनपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, इनके साथ एक महिला और गिरफ्तार है जो कि जो वादिया है उसकी बहन है। क्या बच्चों के शव अभी तक बरामद हुए सर? या आरोपियों ने पकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, SDRF की टीम भी इसमें लगी हुई है और जल्द से जल्द उसकी शव को बरामद